एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन। कल मैं मेरे मायके आ गई थी और आज शाम तक जाएंगे। मैंने मेहंदी भी लगाई है, काफ़ी टाइम बाद खुद ही मेहंदी लगाई है। वैसे तो बाहर से ही लगवाती हूँ। तो आज जो है राखी बांधने का मुहूर्त पूरे दिन का नहीं है, मॉर्निंग में सिर्फ 10 o'clock तक है और शाम को भी आई थिंक इतने बजे तक ही है। बाकी पूरे दिन हम राखी नहीं बांध सकते क्योंकि भद्र स्टार्ट हो जाएगा और उसमें राखी बांधना शुभ नहीं है। तब मैं पी रही हूँ चाय, चाय पी के फटाफट से तैयार होते हैं और फिर राखी बांधते हैं। तो अब मैं आप लोगों से तैयार होकर मिलती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई। साड़ी भी मैंने अभी सही नहीं पहनी है, बाद में सही करूँगी क्योंकि राखी का मुहूर्त हो गया है। तो अभी पहले राखी बांधते हैं, फिर बाकी का जो भी है देखते हैं क्या करना है। वैसे तो क्या करना है, खाना बनाना है, खाना खाना है और क्या करना है। और हमारे लड्डू गोपाल जी, मैं आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी जो कि बिल्कुल तैयार है, अभी इनके भी राखी बांधेंगे। तो मैंने पहनी है साड़ी जो कि मैंने अभी परचेज की थी, आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, शॉपिंग वाले में जयपुर के। कि कौन आया है, कौन आया है ये? हाँ देख अच्छी लग रही है। ना कौन आया ये? आज तो आपकी अभी राखी उधर बांधेंगे, आपकी पहली राखी है। हेलो बोलो, इधर देखो, इधर देख, हेलो बोल दे, हंस दे थोड़ा सा। हैं, ऐसे लग रहे थे हंसने के? हाँ गुस्सा। तो अभी कान्हा जी की राखी बांध दी है, अब लक्की के और बाबू के बांध देते क्योंकि राखी का जो मुहूर्त है वो खत्म ही होने वाला है, तो उससे पहले राखी बांध लेते हैं। तो राखी अभी हमने बांध ली और अभी सभी चाय पी रहे, और अब देखो इसको कितने आराम से बैठा, और राखी बांधने में इसने इतना ड्रामा किया है ना, और अभी बिल्कुल मज़े से बैठा हुआ है। तो अभी 2 बज चुके हैं और अभी हमारा खाना भी लग गया है। खाने में है पनीर की सब्जी, राजमा, चावल जो मैंने खाती तो मैंने लिए नहीं, पूड़ी, खीर और पहाड़ी रायता, खीरे का बनता है ये। तो ये है हमारा खाना। तो अभी हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है और गर्मी काफ़ी हो रहा है, पसीना ही पसीना आ रहा है। पता नहीं, मौसम तो अच्छा हो रहा है फिर भी गर्मी हो ही रही है। और अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, मतलब 5-6 बजे तक निकलते हैं। अभी 3 बज रहे हैं और मैं आप लोगों से बार बार कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, बार बार ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो रहा है क्योंकि कभी कोई ना कोई आ ही रहा है मिलने के लिए, इस वजह से नहीं हो पा रही मैं बार बार आप लोगों से कनेक्ट। तो अभी आए हमारे एक और भैया जी राखी बंधवाने के लिए जो कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मैं अभी इसके राखी बांध रही हूँ, फिर इसके राखी बांध के निकलते हैं। तो अब समय हो चुका है घर वापस जाने का। जितनी खुशी एक लड़की को अपने मायके आने की होती है उतना ही बुरा जब वो यहाँ से जाती है तब लगता है। और हमारे आपको ये गाय डॉगीज दिखेंगे क्योंकि हम सभी जो है एनिमल्स लवर हैं, तो आपको हमेशा हमारे घर में एक दो एनिमल दिखेंगे। तो चलो फिर चलते हैं, फिर आएंगे जल्दी यहाँ पे।
अभी हम आए हैं पीसी ज्वेलर्स पे, हमें कुछ रिंग्स परचेज करनी थी इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। वैसे हमने यहाँ से नहीं ली थी, इसके बाद हम मोती सन्स पे गए थे, बट क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे तो जो मोती सन्स है वो बंद होने वाला था, इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। और एक तो पता नहीं वॉइस को क्या हो रहा है, ठीक होने में ही नहीं आ रही, इसलिए ऐसी आवाज़ हो रही है। तो मैं आपको घर पर जाके दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या परचेज किया है। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने चेंज भी कर लिया है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ज्वेलरी की क्या शॉपिंग की है। जैसे कि आपने देखा, हम लोग पीसी ज्वेलर्स गए थे, बट वहाँ से हमने कुछ नहीं खरीदा। वहाँ पे हमें एक्चुअली में रिंग्स खरीदी थी, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो उसके बाद हम लोग मोती सन्स चले गए थे, तो वहाँ से हमने दो रिंग्स खरीदी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी है। तरीके की है ये डायमंड वाली रिंग, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, पहनने के बाद ना ये काफी अच्छी लग रही है। आई होप कैमरे पे भी ना अच्छे से दिख रहा होगा ये, इस तरीके की है ये। एंड सेकंड हमने खरीदी है इस टाइप की, ये वाली भी काफी सुंदर है, ये भी मुझे काफी पसंद आई है, इस तरीके की है ये। और ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, आई नो थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया। एक्चुअली में क्या है ना, जब इतने टाइम बाद घर पे जाते हैं तो और जब बाहर त्योहार पे जाते हैं तो लोग आने जाने वाले इतने हो जाते हैं ना कि ब्लॉगिंग कंटिन्यू करना मैं भूल जाती हूँ, और अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आए और उसको सीधे मैं कैमरे पे लेके आ जाऊँ, क्योंकि अभी सबको इतनी आदत नहीं है कैमरे की, और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से हर किसी का, क्योंकि एक अपना कंफर्ट लेवल होता है, तो मैं नहीं चाहती कोई डिसकम्फर्ट हो, इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आने के लिए, आपको सिर्फ मेरा ही चेहरा देखने को मिलता है, बट आगे आपको और भी लोग देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।